बड़ी एंड वेलकम बैक टू एसके मार्केट्स एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एनएलएम। हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि हम लोग कौन कौन से फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे और एक्चुअल में कौन कौन से फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस से किसी भी बॉडी की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे व्हेन वी आर स्टडीइंग एनएलएम। एंड जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटिंग है, मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज नहीं होते हैं, एंड इन दैट केस हमें एक स्यूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है व्हिच विल बी स्टडीइंग फर्दर। इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बस फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की बात की थी अबाउट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, किन केसेस में इनर्शियल, किन केसेस में नॉन इनर्शियल, एंड व्हेन वी नीड स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्सेस की डिस्कशन लेटर ऑन भी की जाएगी, बट नाउ विल स्टार्ट विद फोर्सेस इन जनरल। अब सिर्फ पूरा लॉज ऑफ मोशन फोर्सेस के अराउंड ही रिवॉल्व होता है, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फोर्सेस एग्जैक्टली में होते क्या हैं। तो विल इन दिस वीडियो विल बी मेनली डिस्कसिंग ऑन फोर्सेस एंड देन ओनली इन द नेक्स्ट वीडियोस हम लोग लॉज ऑफ मोशन को एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में आवर मेन कंसर्न विल बी ऑन फोर्सेस। देन द थिंग इज कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज जस्ट अ मेथड ऑफ इंटरैक्शन, इट इज एन इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब नॉर्मल सिंपल वर्ड्स में से एक पुश या फिर पुल कहा जा सकता है, लेकिन अगर आपको मोर इन जनरल बात करना है उस केसेस में आप इसे एक मेथड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज कह सकते हो, जिससे एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एंड व्हेन आई से इन्फ्लुएंस कर सकती है, मतलब उनके इमोशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, सो इट कैन चेंज देयर मोशन, इट कैन अफेक्ट देयर मोशन। सो इन जनरल एक फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, यू विल से कि इट इज अ मेथड ऑफ इंटरैक्शन, इट इज जस्ट एन इंटरैक्शन टू इन्फ्लुएंस अ बॉडी, अ गिवन बॉडी। यह हमेशा दो बॉडीज के बीच एक्सर्ट होता है, दो बॉडीज के बीच एक्सर्ट होगा। लाइक से आपके पास ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो ये बॉडी इस बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, मतलब ये वाली जो बॉडी है इस बॉडी की मोशन को इन्फ्लुएंस कर रही है। व्हेन आई से दिस, तो इसके मोशन को अफेक्ट कर सकती है, इसके मोशन को चेंज कर सकती है। एंड मोशन को चेंज करने का मतलब यहाँ पे है विद द वेलोसिटी, मतलब व्हेनेवर आई से कि यहाँ पे इस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय सम अदर एक्सटर्नल, लेट्स से सिस्टम या फिर बॉडी, तो इस बॉडी की मोशन चेंज हो रही है, मतलब क्या कि ये बॉडी लेट्स से इनिशियली रेस्ट पे, तो अब इसको एक वेलोसिटी मिल गई, अब ये मोशन में आ गया। इनिशियली मोशन में ये स्पीड अप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, या फिर रुक भी सकता है, या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मतलब कुछ भी होगा। ये अफेक्ट किस पे आएगा, इस बॉडी की वेलोसिटी पे आएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि फोर्सेस समहाउ रिलेटेड होते हैं विद एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही हम लोग चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब करते हैं, मतलब फोर्सेस तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड होने चाहिए, एंड दे इंडीड आर, एंड इसके डिस्कशन लॉज ऑफ मोशन में होगी। फॉर नाउ विल जस्ट कंसिडर कि मेथड ऑफ इंटरैक्शन टू इन्फ्लुएंस अ बॉडी एंड इन्फ्लुएंस दैट इज चेंज द मोशन, दैट इज हाउ यू इन्फ्लुएंस दिस बॉडी। तो इतना तो हम लोगों ने जान लिया, इसको इन जनरल पुश, नॉट इन जनरल बट रादर पुश या फिर पुल भी कहा जा सकता है इन सिंपलर केसेस, दैट इज हाउ यू से। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्सेस को क्लासिफाई करने के लिए। नाउ द थिंग इज कि फोर्सेस को जब हमें क्लासिफाई करना है तो ये बहुत सारे मेथड से ऑब्वियसली हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं फोर्सेस को क्लासिफाई करने के लिए। वन ऑफ दम इज कि फोर्स कैसे एक्ट करे, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है एक्ट करने की। एंड द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज या फोर्स को मेनली इन दो पार्ट्स में कुछ ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो एज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड व्हेन आई से दिस, मतलब क्या कि कॉन्टैक्ट फोर्स उन काइंड की फोर्सेस हैं, वो काइंड की जो फोर्सेस हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, दोनों बॉडीज को टच करना पड़ता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नीडेड होता है, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट। रिमेंबर ये जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, वैसे इंटरैक्शन तो हो ही रही, आप कैसे भी फोर्स एग्जर्ट करो इंटरैक्शन तो हो गए, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है, यू हैव टू रिमेंबर। जब एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है द टू बॉडीज आर टचिंग ईच अदर एज यू माइट से ओवर हियर,
उस केसेस में तब ऐसे जब आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो दैट इज एक्चुअली अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की, ये एट अ डिस्टेंस एक्ट करती है। मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट फिजिकल ही हो या फिर ये बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही है, इट इज नॉट नेसेसरी। ये एट अ डिस्टेंस एक्ट कर सकती है। मतलब क्या कि आपके पास एक बॉडी यहाँ पे दूसरी बॉडी यहाँ पे, देर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, लेकिन अब भी ये वाली जो बॉडी है इस बॉडी के मोशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब इसका आइडिया, दिस इज प्रेटी इंटरेस्टिंग, एंड ये होता है एक फील्ड की मदद से। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं फोर्स एक इंटरैक्शन का मेथड है टू चेंज द मोशन ऑफ दिस बॉडी। तो एग्जैक्टली दो बॉडीज एट डिस्टेंस एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। टच तो नीडेड है, और आप इस बॉडी को टच करते हो, इसमें इन्हें कॉन्टैक्ट में लाते हो, सो दे कैन एग्जैक्टली इंटरैक्ट, लेकिन एट अ डिस्टेंस ये कैसे होता है। एंड द थिंग इज, इसका जो कंसेप्ट होता है इसे फील्ड से एक्सप्लेन किया जा सकता है, से फील्ड से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हम लोग डिफरेंट टाइप की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखेंगे, लॉन्ग रेंज फोर्सेस नहीं कह सकते, तो हम देखेंगे कि वो फील्ड से फोर्सेस बनती है। मतलब कुछ आप ऐसा, जैसे एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये मासेस के बीच में एग्जर्ट होता है। आपके पास एक मास यहाँ पे, एक मास यहाँ पे, लेट्स कंसिडर, तो ये मास इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा एट अ डिस्टेंस। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कैसे करेगा कि इस मास ने बेसिकली क्या किया, अपने पूरे सराउंडिंग स्पेस में एक काइंड की क्वांटिटी क्रिएट किया, दैट यू कॉल्ड अ फील्ड। इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड है ये पूरे स्पेस में, ड्यू टू दिस मास ये फील्ड है। यू हैव टू थिंक ऑफ दैट। जब ये मास सिंस इसी स्पेस में लोकेटेड है जिस स्पेस में पूरी ग्रेविटेशनल फील्ड स्प्रेड है, एज यू माइट सी, तब ये जो, ये भी तो मास ही है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। तो समहाउ ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अट्रैक्ट होके या फिर रेपल होके, दैट इज हाउ फोर्सेस एक्ट ग्रेविटेशनली। या तो अट्रैक्ट होगा या फिर रेपल होगा। ग्रेविटेशनल के केसेस में हमेशा अट्रैक्ट होता है, दैट इज द थिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं तो वहां पे अट्रैक्ट रेपल हो भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ चार्जेस। तो ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं एक्चुअल में फील्ड से एक्सप्लेन हो सकते हैं, एंड इट देर माइट बी इवन बेटर मेथड्स टू एक्सप्लेन देम दैन द फील्ड कम्प्लीटली, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका आइडिया रिसेंटली मॉडर्न फिजिक्स में तो अब अबैंडन कर दिया गया है, बट इन क्लासिकल फिजिक्स अभी भी हम लोग ये फील्ड वाला मॉडल पढ़ते हैं, एंड इट इज क्विट यूजफुल। तो आपको समझना है कॉन्टैक्ट फोर्सेज टच या फिर कॉन्टैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नेसेसरी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में एट अ डिस्टेंस फोर्स एग्जर्ट हो सकती है। आपको एक फील्ड क्रिएट करना है, इंडीड वो तो मास, द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइक इज सच अ प्रॉपर्टी ऑफ मास की हर मास के पास ये फील्ड होगा ही होगा, कि सारी मासेस ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेंगे ही करेंगे, दैट इज द थिंग। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे आपने ले लिया फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ले लो, एंड आप ले लो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, या फिर चलो टेंशन ले लेते हैं। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेस नहीं दे रहे। टेंशन जो कि रोप्स में होती है, स्ट्रिंग्स में होती है, तो ऑब्वियसली ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके अलावा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं, इसकी अगर एग्जाम्पल लिया जाए, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड यहाँ पे एक और फोर्स ले सकते हैं एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नाउ सो हियर यू कैन कंसिडर द ईएम फोर्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हाउ दीज आर रिलेटेड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ईएम फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये एट अ डिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं। विल ऑल्सो लुक एट वट एग्जैक्टली दीज थिंग्स आर, जैसे फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर अभी डिस्कस करेंगे। बट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो फ्रिक्शन एंड टेंशन है ना, एक्चुअल में दीज कम इन टू द सेम कैटेगरी ऑफ फोर्सेज, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, लेकिन उसमें भी एक सब डिवाइडेड वर्जन देख लें, एंड दैट इज द ईएम फोर्स। सरफेस पे तो आप देखोगे फ्रिक्शन एंड टेंशन कॉन्टैक्ट फोर्सेज लगते हैं, बट एज यू स्टडी फर्दर डीप डाउन आप क्या देख रहे हो कि फ्रिक्शन एंड टेंशन एंड इवन नॉर्मल रिएक्शन जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये तीनों किस कैटेगरी में आ गए, ये तीनों तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज है। तो एज आई हैव रिटन हियर कि ईएम फोर्स क्या है, ये तो एक
एट अ डिस्टेंस एक्ट करने वाली फोर्स है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब फ्रिक्शन एंड टेंशन सिंस ये कैटेगरी के ईएम फोर्स है जो कि सरफेस से टच रिक्वायर्ड है, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड है अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन हियर, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि सिंस ईएम फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एंड आई नो दिस माइट सीम स्ट्रेंज एंड वियर्ड बट दिस इज द ट्रुथ, फ्रिक्शन टेंशन आर ईएम फोर्सेस, सो दैट इज दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अगर मैक्रोस्कोपिकली देखें तो फ्रिक्शन एंड टेंशन को आप एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, बट अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए, अब डीप डाउन यहाँ पे स्टडी करो और फ्रिक्शन एंड टेंशन, आपको क्या पता चल रहा है कि दीज आर जस्ट ईएम फोर्सेस, तब है तो इन एट द एंड ऑफ द डे ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यहाँ से क्या पता चलता है कि नेचर में ऑल्दो हम लोगों ने माइक्रोस्कोपिकली दो कैटेगरी ऑफ फोर्सेस यहाँ पे डिवाइड किए हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, नेचर में एक्चुअल में देयर आर जस्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो यहाँ पे है ही नहीं, बट माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिकली ऐसा लगता है, बट माइक्रोस्कोपिकली दिस इज द थिंग। लेकिन अगेन अकॉर्डिंग टू जे, अकॉर्डिंग टू जस्ट एवरीथिंग दैट वी हैव बीन गोइंग, दो कैटेगरी में इज प्रेटी गुड कि एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे मैंने फील्ड का आइडिया बताया, फील्ड का आइडिया क्लासिकल मॉडल में बहुत ज्यादा यूज हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी, ग्रेविटेशनल फील्ड भी, लेकिन अब इस आइडिया को अबैंडन कर दिया गया, बट इट स्टिल हेल्प्स अस लर्न एंड विजुअलाइज कि कैसे ये होता है, क्योंकि अगर आप मॉडर्न फिजिक्स के आइडियाज देखोगे कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट कैन बी प्रेटी कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज द थिंग। क्लासिकल फिजिक्स में अभी भी फील्ड का आइडिया यूज होता है, तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी प्रेटी हेल्पफुल अगर मैक्रोस्कोपिकली थिंग्स को स्टडी किया जाए, बट माइक्रोस्कोपिकली लुकिंग एट स्मॉल डिटेल्स आप अगेन देखोगे दिस इज जस्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे इसी कांड की लेट्स से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, नॉट एग्जैक्टली ऑफ दिस, समथिंग सिमिलर। आपने स्टडी किया होगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फॉर दोज हु हैव गॉन थ्रू वर्क एनर्जी एंड पावर, अभी तो हम लोग एनएलएम पे हैं, बट जिन्होंने ऑलरेडी वर्क एनर्जी एंड पावर स्टडी किया है, यू विल हैव स्टडीड कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब जिन फोर्सेस की जो वो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, अगर वो पाथ डिपेंडेंट हैं, कि वो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, आप किस रास्ते से जा रहे हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तब वो कांड के फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट है कि यहाँ से यहाँ तक गए, कैसे गए, इट डजंट मैटर टू अस, सो दैट इज कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने ये तो सीख लिया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट नेचर में, सिंस ये भी एक कैटेगरी, ये भी एक क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ही है, लेकिन नेचर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, एंड दिस इज अ फैक्ट, नेचर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एयर ड्रैग तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बट इफ यू टेक इनटू अकाउंट कि जो हीट जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे जो थर्मल मोशन हो रहा है ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड ऑल दिस थिंग, आप देखोगे कहीं एनर्जी का तो लॉस हो ही नहीं रहा, इस हीट सिस्टम में एनर्जी लोकेटेड है, दैट इज अ थिंग। तो एट द एंड ऑफ द डे हाँ, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ दीज आर जस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो फ्रिक्शन आपको लगेगा नॉन कंजर्वेटिव है, लेकिन अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा जाए कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, एक्चुअल में देयर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन नेचर, यहाँ पे मैक्रोस्कोपिकली इजी टू अंडरस्टैंड है, दैट्स व्हाई दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, हमारे सिलेबस में बताया जाता है देयर आर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन अगर आप डिटेल स्टडी करो देयर आर जस्ट ओनली कंजर्वेटिव। वैसे यहाँ पे फोर्सेस क्या है, देयर आर जस्ट नॉन कॉन्टैक्ट, मैक्रोस्कोपिकली देखा जाए सो इट इज इजी इफ यू डिवाइड इट इन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, एट द एंड ऑफ द डे है तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ही। अब हम लोग फर्दर स्टडी कर लेते हैं अबाउट फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो यहाँ पे फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर जो है, आई विल टेल यू, ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑफ द टाइप ऑफ फोर्सेस, एंड ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, वेदर दे नीड फिजिकल कॉन्टैक्ट और नॉट, बट नाउ आई विल टेल यू कि इनकी जो एग्जाम्पल्स लिए हम लोगों ने, जो एक्चुअल फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस के नाम है हमारे पास, या फ्रिक्शन, टेंशन, ग्रेविटेशनल, ईएम फोर्स, तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स लिए,
इन सारे काइंड के फोर्सेस को आप बस चार ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, द फोर ग्रुप्स ऑफ फोर्सेस। एंड आपके पास जितने भी दूसरे काइंड के फोर्सेस हैं, ये एक्चुअल में इन्हीं के सब डिविजन हैं इन सम स्पेशल केस। एंड ये जो फोर्सेस होती हैं, द फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, द फर्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो सेकेंड होता है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब ईएम फोर्स। जो थर्ड हम लोग लेते हैं दैट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स या फिर वीक फोर्स। जो फोर्थ फोर्स कंसिडर किया जाता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाउ द थिंग इज कि एक्चुअल में नेचर में आप जितने भी फोर्सेस देखोगे ये एक्चुअल में सब डिविजन्स होते हैं ऑफ जस्ट दीज फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। पहला ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा वीक न्यूक्लियर, चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स तो लिया, ये खुद एक फंडामेंटल फोर्स है। आप इसको भी सब आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एक ब्रॉडर सेंस दोगे, एक ब्रॉडर लेट्स से पिक्चर दोगे, समथिंग लाइक अ ब्रॉडर ब्रॉडर यू कैन से कैटेगरी ऑफ फोर्सेस जिसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सब डिविजन। तो दिस इज जस्ट अ फंडामेंटल फोर्स। उसके साथ जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताया था, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल में बताया मैंने, ये भी एक फंडामेंटल फोर्स है। एंड यू हैव दीज टू फोर्सेस जिन्हें वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स या फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया फ्रिक्शन, टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या है ये, तो कैटेगरी ऑफ ईएम फोर्सेस में आते हैं। दैट इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू से, जो हमारा वेट होता है ये एक्चुअल में कैटेगरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यू बाय द अर्थ, दैट इज द वेट। अब इसको एक्चुअल में हम लोग अगर देखें तो ये जो दो फोर्सेस हैं आपके पास, ये फर्स्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्टैक्ट या फिर नॉन कॉन्टैक्ट, है तो सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ही। ये जो ईएम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्चुअल में लॉन्ग रेंज फोर्सेस है, मतलब आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओ एंड दे ये वीक हो सकते हैं विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। एंड इंडीड ये वीक होंगे, आप दोनों पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस बहुत एक्सट्रीमली कर दो ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो सकते हैं, बट ये जीरो कभी नहीं होंगे। एंड आप अभी भी इन्हें मेजर कर सकते हो, जब ये डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा देन एंड देन ओनली ये हमारे फोर्सेस जीरो हो सकते हैं। एंड अगर आप इनकी वैल्यूज जिस पे फोर्सेस डिपेंड करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल तो डिपेंड करती है मास पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पे, आप डिस्टेंस इंक्रीज कर दो लेकिन वैल्यू जिससे आपने डिस्टेंस इंक्रीज किया है ऑफ चार्ज एंड मास उससे भी ज्यादा इंक्रीज कर दो, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक कॉन्स्टेंट फोर्स मेंटेन कर सकते हो। मतलब ये डिस्टेंस आप डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो बट समहाउ कैन स्टिल मेंटेन दैट कॉन्स्टेंट वैल्यू या फिर इतनी बड़ी वैल्यू की आप मेजर कर सकते हो। That is, these are long range forces. मतलब ये बड़ी बड़ी distances पे act करती हैं. Like you have gravitation. हम लोग sun के gravitational force के influence में आते हैं. The earth is influenced by the sun's gravitational force. तभी तो earth sun को orbit करती है. The moon is influenced by earth's gravitational force. We are all influenced by earth's gravitational force. तो ये सब long range force हैं. Even the EM force. फिर आते हैं ये दोनों category of forces, which is the weak and strong force, जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस की कैटेगरी में आती है। ये वाला तो अगर आपने देखा तो लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, किसी भी डिस्टेंस पे एक्ट करेंगे, लिटरली किसी भी डिस्टेंस पे एक्ट करेंगे। दिस इज द न्यूक्लियर फोर्सेस। एंड ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस आती हैं ये एक्चुअल में सिर्फ एक्ट करती हैं द रेंज ऑफ द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, मतलब 10^-15 मीटर के साइज पे एक्ट करेंगे। अगर आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो बहुत ही ज्यादा रैपिडली ये फोर्सेस ड्रॉप करते हैं, वेरी रैपिडली। मतलब अगर आपको न्यूक्लियर फोर्सेस का यूज करना है तो ये किस पे होगा, एट द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर लेवल पे न्यूक्लियर फोर्स, दैट्स व्हाई यू कॉल इट न्यूक्लियर फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो एक तो लॉन्ग रेंज फोर्स है बट दीज आर द न्यूक्लियर फोर्सेस, तभी तक इनके सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं जब तक आपके पास ये सेपरेशन At this, let's say, order का होगा 10^-15 meter के order का होगा, वरना it will go down very rapidly.
उसके साथ इन फोर्सेस की रैंकिंग भी किया जा सकता है। एंड अगर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ्स फोर्स हैं तो ऑब्वियसली कुछ स्ट्रांग होंगे, कुछ वीक होंगे, कुछ की वैल्यू ज्यादा होगी, वैल्यू कम होगी। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, दैट इज द मोर इंटरेक्शन। तो अगर हम लोग देखें द रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट। यहाँ पे थर्ड का नेम वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इन एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। लेकिन ऑब्वियसली आपने मासेस इतना बढ़ा दिया कि अभी भी इसके इफेक्ट्स सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ऑल दो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल फोर फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, ये हम लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं बाई अर्थ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है, दैट इज द रीजन। वरना तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल। फिर ये वाला जो है, दिस इज द सेकेंड वीकेस्ट, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द सेकेंड वीकेस्ट। एंड देन यू हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट, द थर्ड वीकेस्ट एंड द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। तो सबसे वीक कौन है? ग्रेविटेशन है। उसके बाद आप कंसिडर करोगे असेंडिंग ऑर्डर में तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम वीक है, उससे स्ट्रांग है, उससे स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड जो सबसे स्ट्रांग होता है दैट इज द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन रिमेम्बर मैंने बताया था ये स्ट्रांग कब तक होगा? 10^-15 मीटर की रेंज तक ही होगा। आपने डिस्टेंस थोड़ा सा भी इंक्रीज किया न्यूक्लियर लेवल से तो यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्निफिकेंटली तुरंत बहुत ही तेजी से ड्रॉप कर जाएगा, दैट इज वॉट हैपन्स। So that was mainly our video about forces. Further things like FVD and all about the three laws of motion, three Newton's laws of motion will be discussed in further videos. This was just about forces, and that was all for today. And thanks to Alvis. Jai Hind, Jai Bharat.